पुणे शहर में जन्मी चरानंदी बाई जोशी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। जिस दौर में भारत में महिलाओं की शिक्षा भी किसी सपने से कम नहीं थी, उस दौर में विदेश जाकर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। उनकी शादी महज 9 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े युवक गोपाल राव से हुई थी। उन्होंने 14 साल की उम्र में मां बनकर अपनी पहली संतान को जन्म दिया, लेकिन 10 दिनों में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद आनंदीबाई अंदर से टूट गई। अपनी संतान को खो देने के बाद उन्होंने ये कसम खाई कि एक दिन वह डॉक्टर बनेंगी और ऐसी मौतों को रोकने की कोशिश करेंगी। अचानक लिए गए आनंदीबाई के फैसले का उनके परिजनों और आस पड़ोस के लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन उनके पति गोपाल राव ने उनका पूरा साथ दिया। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आनंदीबाई ने 1883 में अमेरिका पेंसिल्वेनिया की धरती पर कदम रखा। वह अमेरिका में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यही नहीं, वो अमेरिका की धरती पर कदम रखने वाली भी पहली भारतीय महिला भी थी। 1886 में 21 साल की उम्र में आनंदीबाई ने एमडी की परीक्षा पास कर ली और भारत लौट आई। जब उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की तब महारानी विक्टोरिया ने उन्हें बधाई पत्र लिखा और भारत में उनका स्वागत एक नायिका की तरह किया गया। अमेरिका से लौटने के बाद वे टीबी की बीमारी की शिकार हो गई। सेहत में दिन पर दिन आने वाली गिरावट के चलते 26 फरवरी 1887 में 22 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आनंदीबाई देश और दुनिया में एक मिसाल बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।